हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से जो है स्वागत है। देखिए, हम लोग इस वीडियो में ऑटोमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है बातें करेंगे, जिसमें से एक पहला क्वेश्चन है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। मतलब एक एपी दिया है जिसका लास्ट टर्म दिया है और लास्ट से हम लोगों को 11th टर्म बताना है, शुरू से नहीं, लास्ट से। शुरू से यदि एंड टर्म की बात हम लोग करते थे तो याद करिए फार्मूला था शुरू से dn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये शुरू से n टर्म निकालने का फार्मूला है और लास्ट से n टर्म निकालने का फार्मूला टी डैश एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो लास्ट से हमको 11th टर्म निकालना है, टी डैश 11th इज इक्वल टू L means last term minus 84 minus n की जगह 11th कर दें, 11th minus 1 into d, d की वैल्यू हमारा आएगा d is equal to 8 minus 12 is equal to minus 4, ये minus 4 कर दें। अब ये आएगा minus 84 और minus ये सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा into minus 4, ये आ जाएगा minus 84 आप प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये 40 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा माइनस 44, माने माइनस 44 इज द 11th टर्म फ्रॉम द एंड। इस एपी का अंत से 11th टर्म जो है माइनस 44 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा? अच्छा, जब फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने की बात होती है तो पहले हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि जैसे ये जो एपी दिया है ग्रेजुअली जो है घट रहा है, तो घटते 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 पहले जीरो आएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि इसका एंथ टर्म जो है जीरो है। लेट इट्स एंथ टर्म इज इक्वल टू जीरो। इसका एनवा टर्म जो है जीरो है, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये जीरो इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 121 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू निकाल लीजिए, डी इज इक्वल टू 117 में से 121 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा माइनस 4 आएगा। तो यहाँ पर माइनस 4 रख दीजिए, 121 माइनस 4n प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 125 इसको यदि इधर बोल दें तो ये 4n आ जाएगा। n की वैल्यू 125 बाई 4, मतलब 4 से 125 में डिवाइड कर दें, तो देख रहे हैं कि 31th टर्म जो है हमारा जीरो है। मतलब इस सीक्वेंस का 31th टर्म जो है हमारा जीरो है। तो इसके जस्ट एक टर्म आगे हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म ये हो जाएगा 32वां टर्म जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। और वो होगा कितना? टी 32 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो 32 माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू दिया है 121 प्लस 31 इंटू डी की वैल्यू है माइनस 4। 121 माइनस ये आ जाएगा माइनस 3, माने माइनस 3 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म और माइनस 3 इस सीक्वेंस का 32वां टर्म होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 और 24, 3 और 24 के बीच 5 जो है ऐसा नंबर रखना है कि ये सातों नंबर मिलकर के एपी का फॉर्मेशन कर ले। कहने का मतलब ये है कि 3 यहां दिया है और 24 यहां दिया है, इसमें वो 5 नंबर क्या रख दें, इसमें 5 नंबर क्या रख दें कि सातों नंबर मिलकर के एक एपी का फॉर्मेशंस करें। तो वो पांचों नंबर मान लीजिए A1 है,
A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। अब यहाँ पर यदि ये नंबर हम ऐसा रखे हैं कि ये एपी का फॉर्मेशंस हो गया, तो इसका कॉमन डिफरेंस तो हम पहले मान ही लें, लेट इट्स कॉमन डिफरेंस, लेट इट्स कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। अच्छा एक चीज और, इसमें पूरा टर्म है 7, तो टीएन का फार्मूला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सातवां टर्म है 24, टी 7 इज इक्वल टू ए प्लस 6 डी, ए की वैल्यू है 3, 3 प्लस 6 डी इज इक्वल टू 24, तो 6 डी हो जाएगा, इसको उधर भेज दें 21, डी की वैल्यू आ गया 21/6, डी की वैल्यू आ गया 7/2, तो ए वन की वैल्यू जो होगा 3 से d बड़ा होगा, तो 3 प्लस d, तो 3 प्लस 7/2, इसको सॉल्व कर लें, 6 प्लस 7/2 13/2, और ए टू की वैल्यू क्या आएगा, ए टू जो होगा ए वन से डी बड़ा होगा या 3 से 2d बड़ा होगा, तो 3 प्लस 2d रखते हैं, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7/2, ये कट जाएगा, 7 3 10, 10 आएगा। ए थ्री की वैल्यू क्या आएगा, 3 प्लस 3d आएगा, 3 हो गया आपका 3 इंटू d, d की वैल्यू है 7/2, ये आ जाएगा 6 प्लस 21/2 27/2, A4 3 प्लस 4d, तो 3 प्लस 4 इंटू d की वैल्यू है 7/2, 2 2 जा 4, यह आ जाएगा 3 प्लस 14 माने 17, A4 आ जाएगा 3 प्लस 5d, तो 3 प्लस 5 इंटू d की वैल्यू है 7/2, यह आ जाएगा 6 प्लस 35/2 माने 41/2, 41/2। तो ये पांचों नंबर हैं, इन पांचों नंबर को यदि हम 3 और 24 के बीच रख दें, तो ये जो हमारा सीरीज आएगा वह एपी में हो जाएगा।